कि मत छेड़ प्रकृति को, इससे प्रकृति का ह्रास होगा और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वालों याद रहे, एक दिन इसी के कारण पूरे विश्व पटल का विनाश होगा। तो आप हम तो नहीं के मिलवे जा रहे हो स्काई फाउंडेशन के जीटी रोड से भी ज्यादा तेज लड़का सबसे। जवाहर दादा सब तनिक सबके स्वागत है और फिर से एगो नया वीडियो में। आज के वीडियो खत्म खास हो काहे कि हम लगातार तीसरा साल सरसबाग बलियापुर देवघर खातिर आमंत्रित भए गेलियो। अभी जस्ट एकर पेजू जे बहुत बड़ा टीम कर हाथ है जे हमरा हर साल इनवाइट कर है स्काई फाउंडेशन के टीम जे कि बहुत नेकी काम सबके नेकी दिल भी हो। तो चूंकि उस क्षेत्र में जो है बहुत नेक के काम कर रही फाउंडेशन में, तो बस आज के वीडियो खास हम इसीलिए कर रही हो काहे कि आज हम स्काई फाउंडेशन के बारे में ही चर्चा और परिचर्चा करे वाला हियो कि ई फाउंडेशन टाइप के मैंने उस क्षेत्र में की महत्व है और की खातिर इतना सक्रिय है और की कारण है कि सब जो है खुद के समर्पित कर दिले फाउंडेशन टाके लेके। तो स्काई फाउंडेशन के इतना सब सक्रिय मेंबर जो यहाँ करा आयल थे हमारा इनविटेशन दिए ले कि अखनी के यहाँ 11 तारीख के 11 सितंबर 2024 के फंक्शन हो जा रहा करम महोत्सव के लेके ओके खातिर हमारा इनविटेशन दिए ले आयल थे हमारे घर। तो हम चाहिए कि लगे हाथ थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में जान भी ले तो नहीं कभी बता देना हमारे फर्ज बने चूंकि हम 3 साल से लगातार वहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है तो नहीं वीडियो में बन ले रहा हम तो नहीं के स्काई फाउंडेशन के बारे में कर की काम लगे की काम करत रहे किस तरह से सब एक्टिव रहते रहे तो नहीं के बतवल जा रही है तो वीडियो में बन ले रहा। तो दादा स्काई फाउंडेशन जो हो तो नहीं कर हमारे ख्याल से इस क्षेत्र में थोड़ा सा कम एक्टिव हो तो स्काई फाउंडेशन के कार्य शैली की लगो और रीजन और क्षेत्र कहाँ तक हो और अगर मतलब मुझे काम की लगो उठा थोड़ा सा बता दें और जनता के भाई इधर ताकि इधर भी जो है स्काई फाउंडेशन एक्टिव हो जाए। तो दादा बता सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हो सबके जोहार। तो हमने लगे स्काई फाउंडेशन का टोल मेंबर लगे सुबह यहाँ आ ही हमने पिछला 3-4 साल से करम महोत्सव कर रही तो अगर खातिर इन्विटेशन दिया ला लिए और हमने मुख्य उद्देश्य हो अगर मैं पूछूँ कि स्काई फाउंडेशन के उद्देश्य ये हो कि हमने सबसे पहला काम हो हमने शिक्षा के लिए कि हमने क्षेत्र लागू गाँव और ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के थोड़ा बहुत क्या हो ना कमी तो अगर वजह से की हो ना कि हमने कोशिश कराई है कि अपन थ्रू से कि शिक्षा के लेकर थोड़ा बढ़ावा करना जैसे कि बहुत कोई हो कि पैसे के अभाव के कारण ट्यूशन ना पढ़ा पा रहे थे तो हमने तो ऐसा देखा गया सब यंग लड़का ही यंग लड़का के वजह से हमने इतना वैसा सोर्स ना कि हमने पैसा देकर लोग के पढ़ा लिया लेकिन हमने सब शिक्षित ही तो अगर हमने की करा ली कि 1 रुपया के पाठशाला जो हमने स्काई फाउंडेशन के थ्रू से रन होते रहो 1 रुपया में मैंने ट्यूशन हाँ वो 1 रुपया देना है आपको और उसको देने के बाद वो रजिस्ट्रेशन हो गया उसका वो जिंदगी भर पढ़ सकता है उसके बाद उसको कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा उसका। हम लोग के 1 रुपया से आजकल किसी का कुछ होता नहीं है वो हम लोग सोचा जाए तो वो इसको यूनिक रखने के लिए 1 रुपया के पाठशाला का एक क्या कहते हैं क्लास चलाते हैं जिसमें हम लोग का लगभग वही 100 के आसपास में स्टूडेंट होगा जो सुबह को क्लास होती है कभी किसी वजह से गर्मी की छुट्टी रहता है या ये रहता है मतलब कुछ वजह से किसी किसी टाइम बरसात के टाइम हम लोग क्योंकि हम लोग के पास सुविधा का थोड़ा कमी है अच्छा। तो उसके वजह से हम लोग उसको ग्राउंड में कराते हैं प्ले ग्राउंड में जहाँ हम लोग का महोत्सव होता है उसी जगह तो उसको तो होता ही है प्लस उसके बाद शिक्षा के साथ साथ हम लोग बाकी स्वास्थ्य के लेकर भी करते हैं मेडिकल का जैसे हम लोग का मेडिकल में है हर ग्रुप का मेंबर जितना है ना सबके पास सबका जो ब्लड ग्रुप है ना उसको जांच किया हुआ है ब्लड कैंप भी लगवाते हैं हम लोग साथ साथ अगर किसी को डोनेशन के लिए मतलब जैसे ब्लड का रिक्वायर हो गया तो हम लोग के पास अगर कॉल आए तो हम लोग उसको डोनेट करने के लिए जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य को लेकर ये चीज सिर्फ आपके क्षेत्र में होता है या फिर ऑल ओवर झारखंड होता है या फिर देवघर डिस्ट्रिक्ट में होता है? अभी हम लोग इसको जो है ना शुरुआत किए थे नींव रखे थे बलियापुर से और वहाँ सरसबाद वहाँ बलियापुर मोड़ है वो वहाँ से हम लोगों ने सभी लड़कों ने मिलकर शुरुआत की धीरे धीरे हम लोग का जो है ना वो आसपास के सभी पंचायतों में इसका फैलाव हो गया जैसे यहाँ पर देखेंगे ना तो ये अलग अलग पंचायत के सभी लड़के मिले ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का ये कुंजड़ा पंचायत के मिलेंगे वो सिमरा पंचायत के मिलेंगे उस तरह से हम लोग बड़जोड़ी पंचायत के हैं और अलग अलग पंचायत के हैं यहाँ पर लड़का तो हम लोगों ने उसको ये किया धीरे धीरे इसका जो प्रचार हुआ प्रसार हुआ अच्छे काम में तो लोग जुड़ते जाते हैं तो जो जिसके मन में स्वेच्छा से कुछ करने की भावना है कि नहीं हमको कुछ करना है किसी के लिए स्वास्थ्य तो वो
जुड़ते गए हम लोग के साथ, और आज हम लोग के पास लगभग 300 से ज्यादा मेंबर है, 300 से एक्टिव मेंबर, एक्टिव मेंबर 300 से ज्यादा मेंबर क्या कहते हैं अभी हम लोग के पास है, और वो किसी ना किसी थ्रू से हम लोग से जुड़ा हुआ है, और जब जरूरत होता है तब किसी ना किसी टाइम में पहुंच जाता है। तो और हम लोग का जैसे शिक्षा का जो चलता है कृपया पाठशाला, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि क्या कहते हैं कोई टीचर एकदम परमानेंट है, वो उसका कुछ नहीं, जो जिसको मन किया अगर आपके पास कुछ हुनर है जाके योगदान दे सकते, योगदान दे सकते। तो दादा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके अलावा भी और किसी क्षेत्र में जो अद्भुत हो या और भी अलग क्षेत्रों में जैसे काम करल जा रहा हो, या फिर बस शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? नहीं नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारा है, पर्यावरण भी है और हम लोग का संस्कृति भी है, राइज बताएंगे फिर। तो इसके अलावा जैसे हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि खेती का समय में खेती नहीं होती, जब ठंडा के समय में ठंडा नहीं होता, यानी कि मौसम चक्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। कारण क्या है? कारण यह है कि सब चीज का दोहन हो रहा है, तो उसी के लिए ये सब का इसको लेके हम एक शायरी मानेंगे। रुक जाइए, अपन से बना बनाया अभी अभी बैठल याद आ गया है कि मत छेड़ प्रकृति को, इससे प्रकृति का ह्रास होगा। कि मत छेड़ प्रकृति को, इससे प्रकृति का ह्रास होगा, और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वालों याद रहे, एक दिन इसी के कारण पूरे विश्व पटल का विनाश होगा। जब ये प्रकृति के लेके तो कहले दादा कि अगर दोहन हो, तैसे का दिमाग में हले उठा के निकल गया, चला उसके बाद बताते हैं अपन। बहुत खूब ऐसे तो खासियत है, और यही अदा जो है आपका पूरे झारखंड में फेमस है। वाह मजा आ गया, और कितनी तारीफ कर फाउंडेशन के बारे में। तो हम लोग इसके फाउंडेशन के बारे में यही बता सकते हैं कि हम लोग जो है केवल शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति को लेकर भी सजग करते हैं लोगों को। जैसे पिछले 2-3 साल से आदिवासी दिवस के अवसर पर लगभग कभी 100 पेड़ जितना भी व्यवस्था हो सके, क्योंकि पेड़ सिर्फ कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग पेड़ लगाते तो हैं लेकिन उस पेड़ का संरक्षण नहीं हो पाता। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम भले क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, कम ही लगाएं, लेकिन उस पेड़ को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वो व्यवस्था होती है। और इसके साथ साथ हम लोग संस्कृति को लेकर भी काम करते हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में हमारे झारखंड की संस्कृति कर्म पर्व जो है ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, लोग उसको करने में शर्म महसूस कर रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हमारा संस्कृति किसी से कम नहीं है। तो उसके लिए एक मंच का व्यवस्था किया, सबसे पहले हम लोग यही प्लानिंग किए थे कि कम से कम प्रत्येक गाँव से महिलाएँ कर्म पूजा के उपवास के दिन मैंने एक दूसरे के गांव में जाती है, कर्म नृत्य करती है, लेकिन कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जगह का चुनाव किया जाए जहां पे सभी गांवों से हमारी बहनें आए और अपना जो कर्म गीत है, जो कर्म नृत्य है, उसको एक साथ एक जगह पर उसको परफॉर्मेंस करें। इससे क्या होगा कि सबका अलग अलग जो खूबी है वो एक साथ लोगों को दिख सके। तो यही सोचकर हम लोगों ने शुरुआत किया था। फिर हमें लगा कि इस अवसर पर कुछ जो चुनिंदा कलाकार हैं जो हमारे क्षेत्र में हमारे संस्कृति को, हमारे भाषा को थोड़ा सा संरक्षण दे रहे हैं, उस पर जो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने सबसे पहले दीपक दा से बात किया था और वो हमारे बात को रखा, और हमारे बीच पिछले 2 साल से आए थे, और इस बार भी हम लोग का डिमांड है कि दीपक दा हम लोग के इस कर्म महोत्सव में शामिल हो। इसीलिए स्काई फाउंडेशन को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा 3 साल से पता नहीं छुछा मुठा में की दखल होते, लेकिन जब भी स्काई फाउंडेशन के बहुत बहुत कृतज्ञ कि हमारा लगातार 3रा साल मौका दलो सरस्वत बलियापुर के देवघर के पावन धरती में आवे गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्काई फाउंडेशन के। अच्छा दादा, तो जैसे बतेले हैं कि हमने के शिक्षा के में कुछ तो नहीं बतेले हमका, और में से हमारा सबसे अलग लागलो 1 रुपए की पाठशाला। 1 रुपए की पाठशाला आखिर मतलब थोड़ा सा हमारा एक बारे में डिटेल बताए, एक बारे में हमारा थोड़ा मैंने अंदर से उत्सुकता बढ़ रहा हूँ कि आखिर ईटा की लगे कैसे अगर शुरुआत कर ली, तो नहीं कहाँ से शुरुआत कर ली, कहाँ से दिमाग लो, तो कुछ बारे बस हमारा 1 रुपए की पाठशाला के बारे में डिटेल होता। धन्यवाद दीपक दा, बहुत अच्छा किया कि आप इसके बारे में बताएं। ये कोई हम लोग का सोची समझी प्लानिंग नहीं था। अचानक क्या हुआ कि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, लॉकडाउन का जब पीरियड चल रहा था, उस टाइम हम लोग भी घर में बैठे हुए थे और स्कूल भी बंद हो गया था। स्कूल जब बंद हो गया, उसके बाद धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला, तो बच्चों का जो पढ़ाई स्कूल जाने का आदत था
वो लगभग लगभग छूट गया और बच्चे स्कूल जाने के लिए आनाकानी करने लगे और घर में खेलने लगे करने लगे और हम लोग के पास भी कोई विशेष काम था नहीं, जो भी काम था सबका लगभग छूट गया था, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। तो हम लोग सुबह का जो खास करके समय था उस समय को या तो मोबाइल चला के या व्हाट्सअप चला के या फिर क्रिकेट खेल के व्यतीत कर रहे थे। तो फिर हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आया कि हम लोग का भी समय बीत रहा है और बच्चों का भी समय बीत रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा भी समय का यूटिलाइज हो सके और बच्चों का भी समय का यूटिलाइज हो सके। तो हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, उन ग्रुप के माध्यम से वैसे लोगों को सेलेक्ट किया जिसके अंदर पढ़ाने की इच्छा है। जैसे मान के चले कोई व्यक्ति है जो मैट्रिक तक पढ़ा है, कोई इंटर तक पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन पढ़ा है या कोई नॉन मैट्रिक भी है, तो हम उन सभी बच्चों उन सभी दोस्तों के साथ ये बात किए और बात करने के बाद जितने सारे गांव के प्रत्येक घर घर जाके सभी बच्चों को बोले कि आप लोग को एक घंटा मैदान में पढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है कि हम किसी खास जगह पे पढ़ाएं। तो हम मैदान में जहाँ पे ये कर्म महोत्सव हो रहा है वहीं पर एक महुआ का पेड़ भी है, वहाँ छाया होती है, सुबह सुबह 6:30 बजे सभी बच्चों को वहाँ बुलाते हैं और जो बच्चे हम लोग के जो सदस्य हैं स्काई फाउंडेशन के सदस्य उनमें से सभी सदस्यों को भी बुलाते हैं। अब बात है कि कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जैसे मान के चलो अगर हमको लगता है कि हम 1-3 का बच्चा को आराम से पढ़ा सकते हैं तो हम 1-3 के बच्चे को पढ़ाने में मदद करेंगे, सिखाने में मदद करेंगे। कोई है जो 6-8 को पढ़ा सकता है तो वो 6-8 को सिखाता है, कोई 10+ बच्चे को सिखा सकते हैं तो उसको सिखाता है। मतलब जिसके अंदर जिस विषय को पढ़ाने का क्षमता है उसको जो चीज़ बेस्ट लगता है पढ़ाने के लिए, मतलब कहीं से भी अगर हमको लगता है कि हम इस शिक्षा को दान कर सकते हैं तो उन सभी लोगों का एक ग्रुप बनाया और एक रूटीन बना दिया कि प्रत्येक दिन सुबह 6:30 से 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद फिर बच्चे स्कूल जाए। हम क्योंकि फिर धीरे धीरे बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दिए तो ये सुबह का समय हम लोगों ने इसीलिए चयन किया था। दूसरी बात है इसमें किसी का कोई काम छोड़ने का दिक्कत नहीं था, मान लीजिए कोई भी अगर कहीं काम करता तो 10 बजे के बाद ही करता है, 9 बजे के बाद ही करता है, तो वो सुबह का समय हम लोग का भी यूटिलाइज हो गया और बच्चों का भी यूटिलाइज हो गया। अगर और दूसरा कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे गांव घर के लोग हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते। कारण क्या है कि अभी ट्यूशन फीस कहीं पर 200 है, कहीं 250 है, कहीं 300 है, हमारे इधर 500, आपके इधर 500 है, हम लोग के इधर 500 अभी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग ये सक्षम नहीं है कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग जब इस तरह का 1 रुपये का पाठशाला का संचालन शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो 1 रुपये का पाठशाला है वो 1 रुपये में पूरा जीवन का है? हाँ। या फिर हर महीने वो 1 रुपये? देखिए हमारा मकसद पैसा नहीं है, अगर पैसा रहा तो पता चल रहा है 1 रुपये में कोई पैसा कमाने का मकसद है ही नहीं इसमें। 1 रुपया से वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, 1 रुपया दे दिया हम उसका नाम अपना रजिस्टर में दर्ज कर देंगे, उसके बाद वो एक दिन पढ़े, एक महीना पढ़े, एक साल पढ़े, मतलब आजीवन का है वो। वो 1 रुपया में वो जितना दिन चाहे वो पढ़ सकता है। तो इसी यही सोच के साथ ये शुरुआत किए थे, धीरे धीरे 5-10 बच्चे आए और फिर देखते देखते 100+ बच्चे हम लोग के साथ जुड़ गए। लेकिन कभी कभी जब बरसात आ जाती है या फिर कभी बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाती है तो हमें मजबूरन उस क्लास को बंद करना पड़ता है, क्योंकि पेड़ के नीचे में आप बरसात के समय में भी नहीं पढ़ा सकते हैं और ज़्यादा ठंड के समय में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि कोई अगर ऐसा व्यवस्था हो सके जहाँ पर कोई सामुदायिक हॉल या सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा सके, तो फिर हम लोग ये 1 रुपया का जो पाठशाला है वो कंटिन्यू करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग के आसपास में जितने सारे गांव हैं सभी गांव के बच्चों को भी हम उस 1 रुपये की पाठशाला में बुलाना चाहते हैं और प्रत्येक गांव में जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अपना समय को व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, तो उन सबसे भी मेरा अनुरोध रहता है कि आप हमारे साथ जुड़कर आप अगर प्रत्येक दिन समय दे सकते हैं तो प्रत्येक दिन दीजिए, अगर आप सप्ताह में किसी एक दिन ही समय दे सकते हैं तो आप एक ही दिन आइए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, उससे आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दादा, आप बहुत ज़्यादा नेक काम कर रहे हैं, हमरो तोरा तर हिंदी टा देख देख के हमरो हिंदी बारा लग रहा अंदर से, बहुत नेक काम कर रहे हैं दादा, हम चाहो कि तो नेकी टा जो हो बहुत ज़्यादा विस्तार हो, बहुत ज़्यादा फैले और उम्मीद करें कि तनी जो अभी 100 बच्चा पढ़ा रही तनी 100 गाँव में पढ़ाओ, 100 गांव में पढ़ाओ, उसके बाद 1000 स्टूडेंट कर, 2000 कर, हम तो चाहो पूरे झारखंड में तोनी के शाखा रहे और तोनी के एनजीओ जो पूरा स्थापित हो जाए, पूरा मजबूती से स्थापित हो जाए। और एक चीज हम चाहे जानना चाहो राजेश दा कि तोनी के जो स्काई फाउंडेशन हो जैसे तोनी अपन टाइम निकाल के ठीक हो फिर भी तोनी के जो फंडिंग की जरूरत पड़ी जाता, तो फंडिंग तोनी के स्काई फाउंडेशन के कहाँ से हो
और किधर से और किस टाइप में हो और एक जो ब्यौरा क्या रखो क्या ना और खातिर अलग कुछ हो या मतलब फंडिंग के बारे में बात है। जैसे इसका फाउंडेशन का हम लोग का फंडिंग का बात हो गया, तो फंडिंग में क्या है कि हम लोग एक उसको स्ट्रक्चर में बनाए हैं, जैसे सभी संगठन का स्ट्रक्चर होता है सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, तो उस तरह का हम लोग का भी एक व्यवस्था है, उसमें हम लोग चुन के रखे हुए हैं लड़कों को और उसमें उसी के थ्रू से हम लोग का फंडिंग का व्यवस्था। पहला तो ये है कि हम लोग जितने भी लड़के हैं सभी कुछ ना कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना कुछ डोनेशन दें अपने थ्रू से, उससे हम लोग का कुछ व्यवस्था हो जाता है पढ़ाई का सामान से लेके और कुछ ऐसे महोत्सव वगैरह होता है तो उसमें हेल्प हो जाता है, प्लस हम लोग क्राउड फंडिंग का। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हम लोग का फंड कलेक्शन हो वो पब्लिक से ही हो, उसके लिए हम लोग अपील करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाके और क्या करते हैं सभी से मिल के, इस तरह से हम लोग का फंडिंग होता है। और कोई भी कार्यक्रम होता है वो हम लोग का पब्लिक फंडिंग के थ्रू से ही होता है, हम लोग का बेसिकली यही हम लोग का फंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हम लोग के पास, डोनेशन वगैरह का कुछ आता नहीं है इस तरह से। अभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चालू है और वो जल्द ही हो जाएगी। तो आप हम तो नहीं के मिलवे जा रहे हो स्काई फाउंडेशन के जीटी रोड से भी ज्यादा तेज लड़का सबसे जे जे मेन मेन काम करे रहो, तो नहीं थोड़ा सा अपन अपन काम बता दिए स्काई फाउंडेशन के। जुहार सबके, जुहार सबके। हमनी के स्काई फाउंडेशन के जो करम महोत्सव हो रहा हम 11 तारीख हतो, तकर बाद जितना भी चीज़ हो वो सब सोशल मीडिया में आ जितो, फेसबुक व्हाट्सएप तकर बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह चैनल हो पेज हो वहाँ चेक कर लियो, और वहाँ भी तोनी सभी के मैंने कंटेंट मिल जितो, और तकर बाद QR कोड स्कैनर स्कैनर मिल जितो वहाँ से तोनी अपन डोनेशन अनुदान कर पाली। धन्यवाद। जोहार दादा साहब, ये कर हम वीडियो टाके लास्ट करे जा रहे हो, तो तोनी के स्काई फाउंडेशन के लेके की विचार हो की ना हो और एकर कौन कौन सा चीज तोनी के अच्छा लगलो कमेंट जरूर करिए। और एक चीज कि एकर में अगर तोनी के फंडिंग करे के दिल से इच्छा हो तो एकर UPI और अकाउंट नंबर वगैरह जितना कुछ भी हो डिस्क्रिप्शन में तोनी के मिल जितो। तो ठीक हो, मिले 11 तारीख के सरस बात बलियापुर देवघर में, तब तक खातिर तो नहीं कहे सबके हमारे तरफ से बहुत करम जोहार रहता।